नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रविवार को बहादुरगढ़ की नई सब्जी मंडी छज्जर रोड पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी का जोरदार स्वागत समाज की तरफ से किया जाएगा। इसी विषय में सैनीपुरा में मौजूद लोगों की मीटिंग सैनी सभा के प्रधान जसबीर सैनी की अध्यक्षता में हुई। सैनी ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि नायाब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्वागत ऐतिहासिक हो। सैनी ने बताया कि बहादुरगढ़ में होने जा रही विजय संकल्प रैली एवं सम्मान समारोह को लेकर सभी वर्गों में जोश है। सैनी ने कहा कि सैनीपुरा परिवार के लोग नाचते गाते रैली स्थल पर पहुंचेंगे, इसलिए हम सबको कमर कसनी है ताकि रैली सफल हो। सैनीपुरा परिवार के लोगों ने प्रधान जसवीर सैनी को विश्वास दिलाया कि हम सभी एकजुट होकर चलेंगे। पूरा सैनीपुरा अपने नायाब मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करेगा। इस अवसर पर युवा प्रधान गौरव सैनी, सेक्रेटरी सुभाष सैनी, मांगीराम सैनी, अत्रे सैनी, बलवान सैनी, राजपाल सैनी, जयकिशन सैनी, रवि सैनी, कुलदीप सैनी, नफे सैनी, रोहतास सैनी, राजेश सैनी, बलबीर सैनी, लिच्छे सैनी, बिजेंद्र सैनी, नवल सैनी, जोगिंद्र सैनी, तारा सैनी, पप्पू सैनी, ज्योतराम सैनी, राजू सैनी, धर्मवीर सैनी, नीरज सैनी, अमित सैनी, धीरेन्द्र सैनी, बनी सैनी, वेद सैनी, सुनील सैनी, महेंद्र सैनी, प्रवीण सैनी, भूपेंद्र सैनी, सुरेंद्र सैनी, मनीष सैनी आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, जो ये बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा, मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है, और वो व्यक्ति अपने गिरेबाह में नहीं जागता। अरे भाइयों, जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है ना, भूलते हैं लोग जानते हैं किस प्रकार का अपमान इनकी सरकार के अंदर सहन करना पड़ता था, परंतु आज काम करने वाली सरकार है, आज ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है।